हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल देसी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं और मोहित, हम दोनों जा रहे हैं आज ठंडे पानी के लिए, तो आप भी वीडियो में बने रहिएगा। आपको हम घुमाएंगे और दिखाएंगे कि कहां पर है, और नेचुरल पानी लेने जा रहे हैं हम, आपको दिखाएंगे। वैसे तो सबके घरों में पानी होता है, मगर ये एक नेचुरल सोर्स है जो अपने आप ही निकला हुआ है और बहुत ही पुराना सोर्स है पानी का। सभी गांव वाले वहीं से ही पानी भरते हैं। वैसे तो सब अपने घरों में फ्रिज वगैरह, नलके वगैरह है, मगर जो स्वच्छ पानी होता है ना, नेचुरल, वो पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि रास्ते कैसे कैसे हैं। ये देखिए, आप मेरे बैग में देख सकते हैं, यहाँ ऊपर से हम आए हैं। अभी पक्का रास्ता है वैसे तो, फिर भी उसके बाद पहले तो कच्चे होते थे ना, अभी कुछ समय पहले ही ये पक्के हुए हैं, ठीक है ना। फिर आपको, चलो नीचे आगे चलते चलते मेरे साथ में जो भी रास्ते में व्यूज़ आते रहेंगे सभी आपको दिखाएंगे। और ऐसे ही प्लीज़, मगर आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलेगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको मिलती रहे। तो चलो, मैं और मोहित जा रहे हैं, है ना, मिलते हैं फिर आपको आगे पानी के पास। देखते हैं वहाँ पर कितना रश है और कौन कौन है वहाँ पर पानी लेने इस समय आए हुए। चलो अब मैं आगे का रास्ता आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं गांव के रास्ते से। आप सभी को मैं अपने गांव का विजिट फिर किसी और दिन करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि गांव के रास्ते कैसे कैसे होते हैं और ऐसे ऐसे रास्तों से होकर हमें आगे की तरफ जाना पड़ता है, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। तो हम आ चुके हैं थोड़ा सा और आगे, अब मैं आपको और दिखाऊंगा आगे आकर ना, कि आगे आकर लोगों ने खेतों में कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ें लगाई हैं। तो ऐसे ही बने रहिएगा। यहाँ सामने देखिए, खुरमानी का एक बहुत बड़ा पेड़ है और इसमें बहुत सारी खुरमानियाँ लगी हुई है, और ये आप मेरे बैग में देख सकते हैं, ये लगे हैं यहाँ पर खेतों में आलू, आलू लगाए हैं यहाँ पर खेतों में ना। और ये देखिए, ये होते हैं पलम, अगर किसी ने, ये दिख रहे होंगे ना वैसे आपको, ये है पलम का बूटा। चलो मैं आपको अब है ना, मोहित भी है यहाँ पर मेरे साथ, अब हम फ्रंट कैमरे से दिखाएंगे आपको क्या क्या है यहाँ पर लगा हुआ। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों ने अपने खेतों में आलू लगाए हैं, ये पूरा खेत आलू से भरा हुआ है। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये सामने है खुरमानी लगी हुई, ये है खुरमानी का पेड़ ना, इसमें पूरे खेत में खुरमानी लगी हुई है और लदा पड़ा है ये पेड़ पूरा एक खुरमानी से, है ना। बाकी किस किस ने खुरमानी खाई है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। और ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर पलम, ये है पलम लगे हुए यहाँ पर पेड़ में, देख सकते हैं आप कितने सारे पलम लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये देखिए, ये है पलम, ये होते हैं पलम वैसे ना हमारे यहाँ पर। अभी तो जब ये पकेंगे ना, तब मैं आपको वीडियो और बनाकर दिखाऊंगा यहाँ की, एक बार फिर से आएंगे हम यहाँ पर पलम की वीडियो बनाने के लिए। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ साथ में ही है एक अखरोट का पेड़ भी, ये है अखरोट का पेड़। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे अखरोट लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको वैसे, इसमें मैंने जूम करके दिखाने की कोशिश की है, पता नहीं इसमें दिख रहे होंगे कि नहीं दिख रहे, ये है यहाँ पर वैसे दिख रहे हैं बिल्कुल, ये है यहाँ पर अखरोट लगे हुए ना, ये भी है। और यहाँ पर भी, ये देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितने अखरोट लगे हुए हैं, है ना। चलो अब हम आपको आगे की तरफ लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे के और नज़ारे। ये रास्ता है, ये ऊपर आलू का खेत है, यहाँ पर पलम के बूटे हैं। इसके बाद हम आपको आगे लेकर चलते हैं और आगे हम आपको दिखाएंगे रास्ते में और क्या क्या लगा है, लोगों ने क्या लगाया है अपने खेतों में। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर भी किस तरह से टहनियाँ लदी हुई है यहाँ पर पलम की, ये देखिए कैसे पलम लगे हुए हैं यहाँ पर, है ना, बड़े प्यारे चीज़ लगती ही बहुत प्यारी है, ऐसे लदे हुए होते हैं ना जब ये, और कितने अच्छे लगते हैं ये सारे ना यहाँ पर। यार मोहित तो यहाँ पर मज़े ले रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर पलम खुरमानियाँ लगी हुई है, यहाँ पर बैक में भी खुरमानियाँ लगी हुई। और मोहित ने अभी मुझे बताया कि यहाँ पर मामू जी एक पेड़ है, ये देख सकते हैं आप बैक में,
इसमें देखिए अब पलम कितने सारे लगे हुए हैं यहाँ पर, है ना। मोहित भी वीडियो बनाने लग गया अपने फेसबुक के लिए, है ना। तो चलो अब आपको आगे लेकर चलते हैं और आगे दिखाते हैं कि और क्या क्या है हमने आगे और क्या क्या देखा, है ना। आज से ही वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। ये भी है यहाँ पर, इसमें भी लगे हैं यहाँ पर पलम लगे हैं बहुत सारे। और इसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं बीन्स लगी है यहाँ पर ना, खेत में बीन्स लगाई है लोगों ने, और यहाँ पर बीन्स लगी है खेत में और बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। तो चलिए अब आपको आगे की तरफ लेकर चलते हैं। ऐसे ही खूबसूरत वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे और दिखाता रहूँगा। और ये आप जो ओहो मेरा डोलू गिर गया इसके बाद ये वाला जो पेड़ देख रहे हैं ना आप, इस पेड़ के ठीक नीचे है वो ठंडे पानी का चश्मा बोल सकते हैं वैसे उसको, ना चश्मा ही है वो एक तरीके से, ठंडे पानी का चश्मा है। तो ऐसे में बानों के बीच में से आप देख सकते हैं ऊपर कुछ भी नहीं है, जो नाला था वो निचली तरफ को है और नेचुरल पानी यहाँ पर पहाड़ों के बीच में से रिस कर आता है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो हम आ चुके हैं वैसे मेन थोड़ा सा और आगे की तरफ, यहाँ पर थोड़ा सा गिल्ला है, मैं आगे को क्रॉस कर लेता हूँ। और ऐसे ही रास्तों से होकर जाना पड़ता है हमें पानी लेने के लिए। और यहाँ पर नीचे है, ठीक नीचे है वो पानी के लिए, यहाँ पर लोग आए हुए हैं वैसे अभी पानी भरने के लिए ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पर नीचे जाकर ना। यहाँ है, नीचे जाना पड़ेगा हमारे को, वो लास्ट में आपको दिख रहा है ना वहाँ पर जहाँ लोग दिख रहे हैं ना, वो लास्ट में वहाँ पर जाना है अभी हमें ना। आप बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो, है ना। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। ये आगे आगे अब मोहित चल रहा है, इसके बाद चलो चलो मोहित आगे। और नीचे मैं आपको दिखाऊँगा अभी लोग यहाँ पर पानी भर रहे हैं, और मैं पानी मैं आपको दिखाऊँगा नेचुरल यहाँ पर किस हिसाब का आता है पानी नीचे। ये है रास्ते, ऐसे रास्ते से ऊपर से हम आए हैं, ऐसे रास्तों से ऊपर जाना पड़ता है हमें भी पानी के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं पानी के पास, मैं आपको दिखाता हूं कि गांव के कुछ लोग आए थे पानी भरने के लिए और ये सब अब वापस जा रहे हैं अपने घर के लिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ठंडे पानी का व्यू। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये है कुछ इस तरह का नज़ारा हमारे ठंडे पानी के आसपास का। तो आप प्लीज़ वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ ऊपर से हम आए थे ठंडे पानी के लिए, ऐसे ऐसे रास्ते होते हैं हमारे गांव के। यहाँ पर फ्रेंड्स सामने ही है गुल्लम के पेड़, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा अगर उसमें गुल्लम लगे होंगे। मोहित तो पहुंच चुका है पानी के पास ना, अब मैं आपको ये ऊपर का व्यू दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स हम फाइनली पहुंच चुके हैं ठंडे पानी के पास, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा ठंडा पानी कैसा है। ये आप देख सकते हैं, ये है पानी की वो छोटी सी बॉडी जहाँ से ये पाइप लगी है ना, यहाँ से पानी आ रहा है। और मैं आपको अब दिखाऊँगा कि कैसे ज़मीन में से पानी एक एक बूंद करके निकला है। नेचुरल पानी है और बहुत ही टेस्टी पानी है, और मैक्सिमम आसपास के दो तीन गाँव जो भी हैं आसपास में पड़ते हैं ना, वहाँ के सभी लोग आकर यहाँ पर पानी भरते हैं और यहाँ से पानी अपने घरों के लेकर जाते हैं। और वैसे सबके घरों में नलके हैं लगे हुए, मगर नेचुरल पानी जो रिसोर्सेज होते हैं वहाँ का शुद्ध पानी पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो वैसे ही सभी गांव वाले अपने पीने के लिए यहाँ से पानी भरकर लेकर जाते हैं। आप भी बताइएगा कि आपको ये नेचुरल पानी कैसा लगा, है ना। तो अब मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ कि पानी कैसे कैसे पहाड़ी पर से रिस रिस के आता है और इकट्ठा होकर एक जगह पे कैसा लगता है वो पानी, ठीक है। तो आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा ठंडा पानी, और आपको मैं दिखाता हूँ कि कहाँ से पानी रिस रिस कर आता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से एक एक बूंद करके आ रहा है ये पानी ना, जो रिस रिस के आ रहा है ना पानी, ये एक एक बूंद करके यहाँ से पूरा आता है ये पानी। और यहाँ से देखिए अब कैसे नीचे से कितना निकल रहा है ना, वैसे ही यहाँ से भी आता है एक एक बूंद करके, इधरली तरफ से भी, और चारों साइड से इकट्ठा होकर फिर ये पानी पूरा। और आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर की ज़मीन ना ये सारी सूखी हुई है, ये पूरा सूखा हुआ है यहाँ से ऊपर का जितना भी है ना, और ये सारा सूखा हुआ है। और इसके बाद
यहाँ से पूरी पेड़ की जड़ें हैं ये पूरा, और ये बहुत बड़ा पेड़ है, ये पूरा सूखा हुआ है। बस यहाँ से नीचे ये सारा गिल्ला है, ये यहाँ से नीचे से पानी आ रहा है ये रिसीस के। और देखिए एक 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 ही धार लगी हुई है यहाँ से ना पानी की, आप भी देख सकते हैं, और ऐसे ही ये पानी भरते हैं। तो अब हम पानी भरते हैं, इसके बाद हम दिखाएंगे आपको ये पानी कितना जल्दी भरता है यहाँ से, और आप भी बताना कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर पानी भर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना जल्दी हमारा डोलू भर गया है यहाँ पर। तो पहले हम डोलू को साफ़ कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको यहाँ पर पानी भरेंगे, मैं वो दिखाऊंगा आपको भी। और इस टाइम मैंने कैमरा जो है वो मोहित के पास दे दिया है, वो शूट कर रहा है इसमें वीडियो। और फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, देखते ही देखते मेरा डोलू यहाँ पर भर चुका है, कितना जल्दी यहाँ पर डोलू भर गया। तो आप इसके बाद अब मोहित भी यहाँ पर पानी भरेगा, इसके बाद मैं आपको आगे की व्यू दिखाता हूँ। तो अब फ्रेंड्स मोहित भर रहा है अपनी बॉटल्स, और बहुत ही टेस्टी पानी होता है यहाँ का। आपने देखा ना कि कितना जल्दी यहाँ पर बॉटल्स भर जाती है, बॉटल बर्तन जो भी रहते हैं बहुत जल्दी भर जाते हैं। अब देखिए अब मोहित भर रहा है यहाँ पर ना पानी की अपनी बॉटल्स, देखिए एक बॉटल तो इसकी भर भी गई इतनी जल्दी है ना। और ऐसे ही बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर पानी ले जाते हैं और पीते हैं, बहुत ही टेस्टी पानी होता है, बहुत ही अच्छा पानी है वैसे यहाँ का। और यहाँ पर देखिए यहाँ साथ में ना मैं आपको दिखाता हूँ ये पानी, ये जो साथ वाला पानी जा रहा है ना, है ना, इसके बाद ये वाला पानी जो जा रहा है ये जा रहा है आपका अश्विनी खड्ड को, ये वाला पानी जो नदी जा रही है ना वैसे एक तो, और ये वाला पानी मैक्सिमम लोग सिंचाई के लिए भी यूज़ करते हैं, बहुत ही साफ़ पानी है ये भी, ये सीधा यहाँ से अश्विनी खड्ड जाता है, क्योंकि खेतों वगैरह की सिंचाई के लिए ये वैसे पानी बहता पानी कभी गंदा नहीं होता लोग कहते हैं वैसे ना। और आप भी देख सकते हैं, मैं आपको फ्रंट कैमरे से भी दिखाऊंगा कि अच्छा पानी है वैसे, वैसे हम तो नाला ही बोलते हैं इसको ना, क्योंकि नाला ही आ रहा है ये, है ना। अभी देखो अभी इसके बाद हम एक जगह और जाएंगे, अभी मैं और मोहित जाते हुए डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी जगह में और जाएँ, है ना, फिर देखते हैं और कहाँ का व्लॉग बनाएंगे हम इसके बाद। मेरे को एक पार्टनर मिल गया वैसे व्लॉग बनाने के लिए ना, मोहित है ना, इसके बाद मेरे शायद कुछ व्लॉग ना कंटिन्यू मोहित के साथ में ही आएंगे, देखते हैं अब कहाँ का व्लॉग बनेगा इसके बाद, है ना। बाकी हम आए थे यहाँ पर, इस समय शाम का टाइम हो चुका है, आपको मैं फ्रंट कैमरे से अब दिखाता हूँ यहाँ का व्यू ना। That
just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me.